नूह जिले के पुनाना थाना अंतर्गत गांव लुहिंगा कला की एक लड़की को ससुराल पक्ष नगीना थाना अंतर्गत शाहपुर के लोगों द्वारा 3 तलाक देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के पति सास ससुर देवर के खिलाफ कानून अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में आखिर क्या बोली विवाहिता। क्या नाम है जी आपका? सहनाज। गांव कौन सा है? लोहिंगा कला। तो सहनाज, जो ये आपको 3 तलाक दिया गया है, यानी कि कौन से गांव में आपकी शादी हुई थी, कब हुई थी? 2017 में। कौन से गांव में हुई थी, किसके साथ में हुई थी? शाहपुर इरफान साहब। तो सहनाज, ये जो 3 तलाक का मामला सामने आया है, ये क्या मामला है, कब की घटना है? ये 1 साल पहले। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए कुछ। अच्छा, 2 साल पहले की ये बात है जो, यानी किस बात को लेकर 3 तलाक किस बात को लेकर दिया है आपको? उनका झगड़ा हुआ था, उनकी माँ ने कहलाया था उनसे। अच्छा अच्छा, ये कहलाया था इन्हें तलाक दे दो। तो दहेज के लिए भी वो लोग परेशान करते थे जी? शादी के टाइम में क्या क्या दहेज दिया थे आपके पिताजी? सब दहेज दिया था अपने हिसाब से, जैसे देते हैं सामान, सारा दहेज दिया था। मोटरसाइकिल दी थी, सारा दहेज दिया। नहीं, अब आपने जो शिकायत दी है थाने में, यानी कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है आपकी शिकायत पर, क्या चाहती हो आप? इंसाफ चाहते हैं जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अली। गाँव कौन सा है? लोहिंगा कला। तो जनाब, ये मामला सामने आया है जो आपकी लड़की को ये 3 तलाक का मामला सामने आ रहा है, ये कब की घटना है, कब आपने शादी की थी, कहाँ पे की थी, किसके साथ में की थी? ये 2016 में करी शादी। अच्छा। और शाहपुर में लड़की जी नहीं। हाँ। दोनों लड़की थी एक घर में। तो वहाँ जी इसकी सास ने जबरदस्ती कह के लेना उस लड़का से कि इसको तलाक दो। उसने मारपीट करी, मारपीट करके लेना लड़की हमारी तलाक दे दी। अच्छा। 3 तलाक दे दी। 3 तलाक दे दी, कोई बात ना। वो बोला कि भाई अपनी लड़की को ले जाओ। तो वो मेरी लड़की है नगेना में अस्पताल के सामने छोड़ गया। मैं वहाँ से लेके आ गया जी। यहाँ से गया गाड़ी लेके और मैं लेके आ गया। मैं जी गरीब आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूँ जी। मैं वहाँ से आ गया, आके लिया जी लड़की को। अब मैंने केस डाला जी। तो अब केस चलता रहा जी। अब मेरे को भी ये पता नहीं, वकील भी करा, अब ये पता नहीं कहाँ केस है कहाँ नहीं है जी, अभी तक कोई बात नहीं। आपकी शिकायत पर जो है पुनाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी कि जिसमें ससुराल पक्ष के लोग आरोपी बनाए गए हैं। तो अब आप क्या चाहते हो, यानी कि? मैं जी इंसाफ चाहता हूँ, जो भी इंसाफ है इंसाफ चाहता हूँ मैं। यानी कि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करे जल्दी।